jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hello friends, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया एक इफ़ेक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आजकल कॉमन यूज़ हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा आजकल शादी पार्टियों की, जो ज़्यादातर तो शादी की एल्बम में होता है, डबल कलर का इफेक्ट्स दिया होता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ उसके बिना आजकल कोई एल्बम बनती ही नहीं। और वो पिक्चर्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, वीडियो को पूरा देखें और घर पे बैठे खुद आप इसको एंजॉय करें। फ्रेंड, सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे कोई भी। मैंने एक ये ब्राइडल की फ़ोटो निकाली है, पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेडल की पिक्चर ले ली हमने। अब यहाँ देखें, ये नीचे है, ये गोल सा बॉल टाइप, आधा ब्लैक है और आधा वाइट है। इस पर क्लिक कीजिए और ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट मैप, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए आपकी पिक्चर कैसी हो गई है। ये आपने क्या करना है, हाँ दोस्तों इधर देखिए, ये जैसे ही आपने उसको किया, ये दूसरी लेयर अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। आपकी ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पड़ी हुई है ब्लैक ग्राउंड के नीचे में, ये ऊपर हम अब दूसरी लेयर पे आ गए हैं, वो नीचे वाली लेयर हमारी सेफ है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ रिवर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपकी आ गई है और यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ एरिया सेलेक्ट करना है। वो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे और पॉलीगन टूल ले लेंगे, मैं तो इसी का यूज़ करता हूँ। आपको जो इजी लगे आप उससे सिलेक्शन कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा करके बता रहा हूँ। बाकी आप अपना काम जितना अच्छे फिनिशिंग से करेंगे, ये उतना ही अच्छे लुक से दिखाई देगा, उतनी ही आपके काम की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और पिक्चर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो दोस्तों, हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास अब क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर का प्रेस करेंगे। ये एरिया सिलेक्ट हो गया हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ फैदर, ये ऑल्ट कंट्रोल डी की कमांड से भी आता है। यहाँ पर हम दो ही रहने देंगे, दो से ज़्यादा नहीं करना है हमें, और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो वाइट लेयर हमारे यहाँ पर ये आई हुई है, इसको बोलते हैं मास्क। हमें इस पर क्लिक करना है। ये देखिए
मास्क थंबल दवाई दे रही है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने प्रेस करना है, यहाँ चेक कर लें ब्लैक कलर हो। इस मास्क पे क्लिक करने के बाद मेरा कीबोर्ड का ऑल्ट बटन ख़राब है, इसलिए मैं कंप्यूटर के इससे यूज़ करूँगा, ऑल्ट बैकस्पेस। सिलेक्शन लेने के बाद आपने यहाँ से प्रेस करना है ऑल्ट बैकस्पेस। जैसे ही आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि नीचे ये कलर चेंज हो चुका है, सॉरी कंट्रोल डी कर दें, यहाँ से सिलेक्शन हटा दें, अब आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। इसी प्रकार आप आगे और इसको भी ले सकते हैं, जो सिलेक्शन है इसको भी कर लीजिए आप अच्छे से। जितना आप फाइन इसको करेंगे दोस्तों उतना ही ये बढ़िया होगा। ये आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना बेहतर करते हैं, कितनी बारीकी से करते हैं। फिर वही करेंगे आप ऑल्ट बैकस्पेस। देखिए दोस्तों फिर कंट्रोल डी कर दीजिए, सिलेक्शन हटा दीजिए, फिर उसी तरीके से आप इसके यहाँ से ये ज्वेलरी को ले सकते हैं। ये आपने दोस्तों बिल्कुल क्रिएटिविटी से करना है काम, अच्छे से करना है। फिर वही करेंगे ऑल्ट बैकस्पेस। आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कंट्रोल डी। फ्रेंड्स ये तो मैं आपको दिखाने के लिए मोटा मोटा कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन ठीक नहीं है मेरा, पर आपके लिए दिखाने के लिए ठीक है ये मेरे को, क्योंकि मुझे ये मैं किसी का काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप एग्जाम्पल आपको सिखा रहा हूँ। ये मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है ये कि टूल किस ढंग से काम करते हैं और हम पिक्चर्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जितना आप इसके अंदर बारीकी से काम करेंगे उतनी ही आपकी पिक्चर में क्रिएटिविटी आ जाएगी और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। वही करेंगे ऑल्ट बैकस्पेस। देखिए फ्रेंड्स फिर कंट्रोल डी कर लें। अब मैं थोड़ा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपने आज देखा कि हम पिक्चर को किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। ये देखिए हमारी पिक्चर ये थी और हमने इसको इस ढंग से कर दिया है कन्वर्ट ब्लैक एंड वाइट के अंदर। आधी ब्लैक एंड वाइट है और
इसकी ज्वेलरी और कपड़े वो कलर्ड हैं। तो ज़्यादातर एल्बम्स आपने देखी होंगी इसी तरीके से बनी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय दोस्तों।